मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दी गए बयान की केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिराई। भाजपा द्वारा जनता की कांग्रेस की चुनी हुई सरकार गिराने की साजिश रचने व लोकतंत्र की हत्या के विरोध में कलेक्टर कार्यालय पर कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए शासन प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस जनों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना चाहा, पर एसडीएम महेंद्रनाथ पांडे ने कांग्रेस जनों से दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। इस पर विनय बाकलीवाल सहित अन्य कांग्रेस जनों की उनसे तीखी बहस हुई। इसके पश्चात भाजपा सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने झूमाझटकी कर बलपूर्वक कांग्रेस जनों को पुलिस वैन में जबरदस्ती बिठाकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस दौरान कांग्रेस जनों ने शिवराज सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए, जहां जेल में एसडीएम ने कांग्रेस जनों को जमानत दी। इसके पश्चात विनय बाकलीवाल एवं विधायक संजय शुक्ला एवं अन्य कांग्रेस जनों ने एसडीएम अंशुल खरे को जेल के बाहर ही ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विनय बाकलीवाल ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि मध्य प्रदेश में विगत दिवस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक में, जिसका कि ऑडियो सार्वजनिक हुआ है, उसमें स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर गिराया गया है। उन्होंने कथित ऑडियो में ये भी बताया कि अगर वह सरकार नहीं गिराई जाती तो भाजपा बर्बाद हो जाती। सरकार गिराने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट अगर साथ नहीं देते तो सरकार क्या गिर सकती थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वीकारोक्ति भाजपा के अध्यक्ष, गृह मंत्री एवं प्रधानमंत्री की ओर इशारा करते हैं। इस दौरान विनय बाकलीवाल ने कहा कि आप देश के लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं। देश की 133 करोड़ जनता ने संविधान की रक्षा करने का दायित्व आपको दिया है। ऐसे में उन्होंने निवेदन किया है कि अनैतिक हथकंडे अपनाकर चुनी सरकारों को गिराने के प्रयासों की अनदेखी की गई तो भविष्य में चुनाव की प्रक्रिया ही मूल्यहीन हो जाएगी। फिर तो कोई भी दल चंद विधायकों को लालच देकर सरकारों को अस्थिर करता रहेगा। प्रदर्शन में मुख्य रूप से विधायक संजय शुक्ला, भवर शर्मा, रमेश उस्ताद, राजेश चौक से अनिल यादव आदि कांग्रेस जन उपस्थित रहे। इंदौर से लाला शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, पूरे इंदौर, पूरे सभी समस्त जिले में और सभी समस्त शहर में, जो 3 दिन पूर्व शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर आने पर बयान दिया था कि केंद्र सरकार द्वारा षड्यंत्र रचकर, साजिश रचकर इस सरकार को गिराया गया। इतनी बढ़िया कमलनाथ जी की सरकार, बहुमत की सरकार चल रही थी। कमलनाथ जी ने किसानों का ऋण माफ किया, बिजली का बिल जो आज, उस टाइम उन्होंने 100 रुपये यूनिट का कर दिया था, 100 रुपये का बिल आता था, आज गरीब जनता को 3,000 रुपये का बिल आ रहा है। चाहे पेंशन योजना हो, चाहे वो मिला भू माफिया के खिलाफ हो, चाहे शराब माफिया के खिलाफ हो, चाहे रेत माफिया के खिलाफ हो, ऐसे अनेक विकास, अनेक कार्य कर रही थी कमलनाथ जी की सरकार। उसको साजिश रचकर केंद्र सरकार और शिवराज सिंह ने मिलकर सरकार को गिराया गया। उसके विरोध स्वरूप आज पूरे इंदौर शहर में इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा, सभी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा यहाँ पर आज हमको गिरफ्तार करके यहाँ पर जेल भेज दिया गया। हमने कल उनसे अनुमति मांगी थी जिला प्रशासन से, हमें अनुमति नहीं दी गई और वही हमारे साथ भेदभाव नीति अपनाते हुए कल उन्होंने अनुमति ली। दो सौ लोग खड़े थे, जिसके ऑडियो वीडियो आपके पास है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। 250-300 लोग थाने का घेराव करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हम शांतिप्रिय लोग हैं, गांधीवादी के लोग हैं, हमें जबरदस्ती गिरफ्तार करके जेल भेजा गया।